तो देखिए मुनव्वर राणा और भाई इस्माइल राणा, मुनव्वर राणा के भाई हैं इस्माइल राणा, इस वक्त मेरे साथ दोनों ही जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे। मुनव्वर राणा और इस्माइल राणा, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और मैं शुरुआत इस्माइल राणा आपके साथ करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये पूरा विवाद क्या है, मतलब पारिवारिक विवाद, अब चूंकि थाने भी पहुंच चुका है, आरोप आपकी तरफ से भी लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ मुनव्वर राणा भी आरोप लगा रहे हैं आप पर, ये झगड़ा क्या है पूरा? झगड़ा कुछ नहीं है, असल में हमारे घर में जहाँ कभी आपस में हिसाब किताब नहीं लिखा गया, हिसाब किताब नहीं हुआ, लेकिन घर में एक ऐसा पैदा हो जाता है जो पूरे घर में नफरत की दीवारें और लाइनें खिंचवा देता है। तबरेज राणा वही है, हमारे खानदान का बिगड़ा हुआ एक लड़का जिसे कोई काम करने का शौक नहीं है, सिर्फ महंगी गाड़ियों पे चलने का शौक है और नक्शेबाजी का शौक है। अब उसे इस वक्त भू माफिया बनने का शौक हुआ है और जो हम लोगों के यहाँ पुश्तैनी जमीनें हैं उस जमीन के सारे कागजात मेरे भाई मुनव्वर राणा से दबाव डाल के पावर ऑफ अटॉर्नी सब लिखवा लिया और उसमें से कुछ जमीन उसने बेच दी जो कि मेरे नाम और मेरे छोटे भाई राफे राणा के नाम थी, तो उस पर हम लोगों ने केस कोर्ट में केस करके बंटवारे का और अखबारों में नोटिस दे दी कि भाई इसका अब बंटवारा हो जाना चाहिए, इन्हीं सब बातों से और इसकी बिक्री नहीं होना चाहिए, इनसे वो घबरा के और उसने इस तरीके की एक साजिश रची है कि सारे चचाओं को और भती मतलब चचेरे भाइयों को सबको अरेस्ट करवा के 307 में और हम लोगों पे दबाव डाल के और वो फिर अपनी मनमर्जी से वो सारी जमीनों को बेचे। ये असल उसकी कहानी है और वो और उसकी बहनों ने मेरे भाई को मुनव्वर राणा को एक तरीके से काशीराम बना दिया है और मुनव्वर राणा इस वक्त अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी वो बयान देते हैं और जैसे कि एक इन्होंने बयान अभी 23 जून को दिया था कि माननीय योगी जी उनको मरवाना चाहते हैं, मैं ये दावे से कहता हूं कि ये मेरे भाई का बयान नहीं है बल्कि उनकी लड़कियां जो सब राजनीति में घुस गई हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे भाई को ये लोग ब्लैकमेल कर रही हैं, क्योंकि वो 10 सालों से दुनिया की सारी खतरनाक बीमारियां उसके अंदर आ चुकी हैं, वो अपने सेंस में नहीं है लेकिन उनके बच्चे और उनकी बीवी उनके ऊपर दबाव डाल के ये सब करवा रहे हैं। आपके भाई खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्माइल राणा जी, मुनव्वर राणा मेरे साथ हैं। मुनव्वर राणा, सुना आपने इस्माइल राणा? जी जी जी। वो कह रहे हैं कि आप दबाव में हैं, जो भी हो रहा है आपके जरिए करवाया जा रहा है, आपके परिवार पर आरोप है, सीधे तौर पर आपके बेटे पर आरोप है। देखिए मैं जबान नहीं खोलूंगा नहीं पूरा खानदान नंगा हो जाएगा और ये मालूम हो जाएगा जो ये राणा राणा सब घूम रहे हैं ये सब अनवर ड्राइवर के लड़के हैं, इनकी हैसियत ये है, ये हमारे नाम का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने दौलत कमाई, पैसा कमाया और ये जो बोल रहे हैं क्राइम है, ये अगर कलकत्ते के लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर, जोड़ा धाकू पुलिस स्टेशन, बहू बाजार पुलिस स्टेशन की फाइलें चेक करवा ली जाएंगी तो ये मालूम होगा कि ये इस्माइल राणा जो दाढ़ी लगाए बैठे हुए हैं ये कितने बड़े मुजरिम रहे हैं। बम बनाते में हुए एक लड़का मरा, एक के हाथ उड़े, एक पर गोली चलाई, सब पर थाने लिखे, इनको सिर्फ ये हुआ कि बाप की मोहब्बत में इनको हमने कभी फूल की छड़ी नहीं पड़ने दी, आज उसी का सिला है कि ये लोग मुझे और मेरे बाप बेटे को ही मरवाना चाहते हैं। मुनव्वर राणा, ये भी आरोप है आपके जमीन का जो 29 जून को हमला हुआ, ये साफ कह रहे हैं कि ये दरअसल पूरी साजिश है, मुझे फंसाने के लिए किया गया, वो खुद ही करवाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फंसाने के लिए तो पुलिस काफ़ी है, हमने बताया ना कि कलकत्ते का जोड़ा साकू थाना है, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ मालूम हो जाएगा कि ये इन लोगों का कैरेक्टर क्या रहा है। इस्माइल राणा, आरोप आप पर है, आप पर आरोप, अभी भी वही बात दोहरा रहे हैं मुनव्वर राणा। जी जी जी, मैं इनकी बातों का कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, हाँ ये था, ये मैं बोलता हूँ कि कलकत्ते में हमारे बाप तन्हा थे और कारोबारी
कुछ प्रतिनिधि उनके जो अगेंस्ट लोग थे उनसे मेरे बाप के कुछ इख्तलाफ चलते थे, उसमें मैं और मेरा छोटा भाई यहिया राणा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, हम लोग अपने बाप के शाना बशाना खड़े हुए थे। और मुनव्वर राणा जो इतने बड़े शायर बने हैं, तो मेरे बाप ने 1968 में राणा ट्रांसपोर्ट राजा ट्रांसपोर्ट से राणा ट्रांसपोर्ट बनाया था, और 1972 से अनवर राणा लिखा जाता है, कलकत्ता के मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड सेक्रेटरी थे और वहां से अनवर राणा का वजूद पड़ा, और 1975 से इस्माइल राणा अपने नाम के साथ राणा लगाता है। और मुनव्वर राणा की किताब में लिखा हुआ है कि 1984 में वाली आसी ने जो इनको मुनव्वर अली आतिश से मुनव्वर राणा बनाया कि यार अपने बाप का ही टाइटल अपने साथ लगाओ। तो पहली बात तो ठीक है, मेरे बाप ड्राइवर थे और ड्राइवरी से उन्होंने ये मुकाम बनाया कि कलकत्ते में उनका एक सम्मान था, एक इज्जत थी, और उसी इज्जत और सम्मान से मुनव्वर राणा उस वक्त जो कि शायरों की कोई हैसियत नहीं होती थी, मुनव्वर राणा जो जहाजों से जाते थे, जो कारों से जाते थे, वो सब मेरे बाप की बनाई हुई थी। मुनव्वर राणा क्योंकि ये घर के बड़े थे, मेरे बाप के ये बहुत चहीते बन गए थे। अब इसके आगे मैं भी जुबान नहीं खोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा भाई जो है इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। इसको पुत्र मोह कह सकते हैं या पत्नी मोह कह सकते हैं। इस्माइल राणा, आपको क्यों बार बार लगता है कि मुनव्वर राणा पर दरअसल ये प्रेशर है और वो सब कुछ अपने परिवार के दबाव में आकर कह रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके यहाँ सामने बैठे हुए हैं और फिर से वही सारी बातें कह रहे हैं? भाई मैं हम लोगों के घरों की एका की मिसाल दी जाती थी अभी 15 दिन पहले तक। हम लोग कोई बात सड़कों पर नहीं आने देते थे, और मैं मुझसे ज्यादा इनके घरेलू मामलात को कौन जानेगा। मुनव्वर राणा जब जब दिल्ली में एम्स में भर्ती हुए हैं, मैंने बकौल इन्हीं के एक दोस्त हैं पत्रकार, बकौल उनके कि यार मैंने तुम्हें देखा है हनुमान बन के सेवा करते हुए उनकी, अब वो किस मजबूरी में राम ना बन सके ये मैं नहीं जानता। तो मुझसे ज्यादा, और वही इनके बीवी बच्चे जब दिल्ली आते थे तो वहां पिकनिकें मनाते थे, मार्केटिंग करते थे, और मैं सिर्फ फिजिकल नहीं, हर ढंग से अपने भाई की सेवा में पांव दबाने से लेके हर चीज में मैं खड़ा रहता था और ये सोच के मैं सेवा करता था। मुनव्वर राणा परिवार का एका टूटने की बात इस्माइल राणा कह रहे हैं, ये सीधे तौर पर ये भी आरोप है कि संपत्ति को हथियाने की जा रही है। आप देखिए, आप एक एक सड़क के आदमी को जो पूरी कलकत्ता पुलिस जिसको आज तक ढूंढ रही है, आप उसको रख ले आई टेलीविजन पे बात कराने के लिए। आपका चैनल है या नौटंकी घर है, इसमें क्या मतलब हुआ? मुनव्वर राणा जी, आप पर आप खुद आरोप लगाते रहे हैं और ये खुद आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो वही जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं आप उनका जवाब दीजिए ना यहाँ पर। नहीं नहीं, और आप किस तरह के आपके भाई हैं, आपके परिवार का हिस्सा हैं, और इस तरह की भाषा अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना आपको सही लगता है? नहीं नहीं, हम हमारे भाई नहीं है, ये आपके भाई नहीं है इस्माइल राणा। हम इनके भाई नहीं है। हम जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चैनल पर नौटंकी हो रही है, आप देखिए ना, आप अपनी भाषा को कहां तक ले जा रहे हैं। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, ये दो घरों की लड़ाई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसके बाद आप बात। अगर आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, इसलिए कि टेलीविजन पर हमारा तो फर्ज है, मुनव्वर राणा हमारा फर्ज है कि हम दोनों पक्षों को सामने रखें। अगर ये आपके भाई, अगर ये आपके परिवार की लड़ाई थी, तो आप इसे घर में रखते। नहीं, वो कोई पक्ष है ही नहीं। वो फिर कौन है? फिर कौन है? इस्माइल राणा कौन है? मुनव्वर राणा हमारे घर में कोई दूसरा नहीं, बदमाश है कलकत्ते का, जो लखनऊ में भी, रायबरेली में भी हमारे जमीन के सब क्या पांचा करवा दिया। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मुनव्वर राणा, आपके बेटे तबरेज राणा की गाड़ी पर फायरिंग होती है, आप आरोप इन पर लगाते हैं, तो फिर आपने आरोप कैसे लगाए? वो सब क्या झूठी कहानी थी?
थाने जाना, ये सब क्या था? ये तो हमें भी मरवा सकते हैं। कौन? अगर ये कोई नहीं है तो फिर आरोप किस बात का, बताइए ना मुनव्वर राना। आप तो भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई होते तो इतने कमीने नहीं होते। ये देखिए, मुझे बहुत हैरानी हो रही है मुनव्वर राना, आपकी भाषा पर मुझे हैरानी हो रही है अपने परिवार के सदस्य के लिए। इस्माइल राना, आपको तो भाई तक मानने के लिए तैयार नहीं है। जी भाई, क्या उन्होंने मुझे सड़क छाप बनाया? और ये मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी एक स्टेज से जुड़ा हूं, और हिंदुस्तान की मशहूर शीला भाटिया दिल्ली आर्ट थिएटर, उसमें मैंने नाटक किए हैं, कल्चरल विंग से जुड़ा रहा। और उसके बाद मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन एकता नाट्य मंच थी, जिसके पैटर्न खुद राजीव गांधी थे, और मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के कांग्रेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद मुझे इस तरीके से जो सम्मान राजीव जी देते थे हमें उस घर से उस तरीके से नहीं मिला, तो मैं अपने कारोबार से जुड़ गया। और ये जो बातें कर रहे हैं, ये आज से लगभग 45 साल पहले की बातें कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने अपने बाप के कारोबार को बचाने के लिए, जिससे आज मुनव्वर राना। इस्माइल राना केस से हमारा संपर्क टूट गया, मैं फिर से उनके पास आऊंगी। मुनव्वर राना, ये लड़ाई सड़क पर लेकर कौन आया? आप कह रहे हैं ये आपके भाई नहीं है, आप इनको सड़क का आदमी कह रहे हैं, ये लड़ाई भी तो आप ही लोग सड़क पर लेकर आए ना। थाने कौन गया? किसने ये आरोप लगाया कि मेरे बेटे की गाड़ी पर हमला हुआ है और मेरे भाई ने करवाया है? जब मेरे भाई मेरे खिलाफ एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं, मुझे नोटिस भिजवा रहे हैं, मुझे दोस्तों के फ़ोन पर गालियां बक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अव्वल तो आपको घरेलू मामला टीवी पर नहीं लाने चाहिए। आप ये बात सीख लीजिए। अगर आपका चैनल इससे मशहूर होता है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इससे ख़राब घरेलू मसले हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको दिखाइए रोज़ सवेरे शाम, आपकी दुकान अच्छी चलेगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये है कि आप इस किस्म की बातों से, हर आदमी अपनी सफाई पेश करता है, फिर आपको जितने भी देश में है सब साधु हैं, संत हैं, सूफी हैं, पैगंबर हैं, कार्रवाई से क्या दिक्कत है मुनव्वर राना? पुलिस अगर अपना काम कर रही है, वो घर पर पहुंच कर काम कर रही है अपनी कार्रवाई, क्योंकि मामला अगर दर्ज हुआ है तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी ना, फिर पुलिस की कार्रवाई पर हमसे बात कीजिए, बताइए ना आपका, वही मैं पूछ रही हूँ ना, फिर पुलिस की कार्रवाई से दिक्कत क्या है? ये भाई हमारे कहाँ से भाग करके आए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब बात की बात है। ये तो हम अदालत में साबित भी कर देंगे और सब निकाल कर दे भी देंगे कि कारोबार बनाया हुआ किसका था और बाप की हिफाजत कौन करता था, और बम बनाते हुए जो बम बना रहे थे तो क्या मेरे बाप की हिफाजत के लिए बम बनाए जा रहे थे? अगर किसी पर फायर किया जा रहा था तो वो मेरे बाप के कहने पर, मेरे बाप को कोई एक मुजरिम छवि बना के रख दी, मेरे बाप पुलिस के पैर पकड़ते, आशीष मुखर्जी ऑफिसर था लाल बाजार में, उसके पैरों पे मेरे बाप गिर गए थे। इसी ने, इस्माइल ने कलकत्ते में सुल्तानपुर का जनरेटर बेच लिया था, मेरे बाप को पुलिस ने डिटेन कर लिया था थाने में, मेरे बाप की इज्जत खाक में मिलाई, इस खानदान को आसमान पे हम ले गए, वरना इसी रायबरेली में जब मेरे बाप के नाम खत आता था तो अनवर ड्राइवर लिखा रहता था। इनकी क्या हैसियत है, इन लोगों ने क्या दे दिया अपने बाप को? मिट्टी तक देने के लायक नहीं थे, एक पैसे से लेके आज तक पूरे शहर से आप पूछिए, हमारी दौलत पर अय्याशियां इन लोगों ने की हैं। हमारे बाप ने सिर्फ जब 1972-73 में जब ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया था, मेरे वालिद ने 14,700 रुपये मुझे दिए थे और कहा था बेटा यही है मैं तुमको दे रहा हूँ। इनकी परवरिश, इनकी शादियां, पूरा खर्च इनका हम लोगों ने उठाया है। कार्रवाई पर भी मुनव्वर राणा इशारों में कह रहे हैं साजिश है, क्या मतलब ये साजिश भी, क्या किस तरीके से, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वो सीधे तौर पर आरोप, खैर आपको भाई मानना ना मानना उनका अपना काम है, लेकिन जी इस्माइल राणा आपसे ही पूछ रही हूँ। आवाज, सवाल पूरा सुन नहीं पाए हम। मैं ये कह रही हूँ कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस पर भी इशारों में वो कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश का हिस्सा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है। भाई देखिए, अब ये मैं क्या बताऊं, यकीन मानिए कि मेरा भाई इस वक्त, उनका जहनी तवाजुन ही खराब कर दिया है घर वालों ने,
23 तारीख को तो उन्हें माननीय योगी जी उनको मरवा रहे हैं और एक 4-6 दिन के बाद उनके बेटे को चचा सब चचा और भतीजे मिलके मरवा रहे हैं। 2 महीने पहले इनकी बेटी जो कि असल वो साजिश में है सुमैया राणा, 2 महीने पहले उस पर कातिलाना हमले की कोशिश होती है। और ये जो जिस तरीके की बात बाप को, मतलब ये मेरे भाई को क्या हो गया है, मेरे बाप जो है 1980 में इन्होंने साजिशन उनको रायबरेली भेजा, वरना 1980 तक और कलकत्ते में पूरा आज भी लोग जानते हैं राणा ट्रांसपोर्ट, गजल रोडवेज को इनकी कंपनी को नहीं जानते हैं, मेरे को जानते हैं राणा ट्रांसपोर्ट। और राणा ट्रांसपोर्ट 1968 से वजूद में आया है और बाप को अब ये किस तरीके की जो बातें कह रहे हैं मुनव्वर राणा भी, क्योंकि अब ये पूरी लड़ाई जो है वो सड़क पर आ गई है और यहाँ मुनव्वर राणा ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया एबीपी न्यूज, इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। हम खेद प्रकट करते हैं, इस तरह की भाषा का एक नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पूरा विवाद, अब संपत्ति विवाद जिस तरीके से मुनव्वर राणा और इस्माइल राणा के बीच चल रहा है, इस्माइल राणा एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये पूरा विवाद अब हालांकि थाने तक पहुंच चुका, सड़क पर अब इस तरीके से एक विवाद, ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्या वाकई ये पूरा का पूरा सिर्फ संपत्ति विवाद ही है? देखिए, मैंने बताया कि आप रायबरेली जिले नहीं, हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में, इवन कलकत्ते शहर में भी मालूम करेंगी तो हमारे खानदान की 15 दिन पहले तक मिसाल दी जाती थी एकता की। लेकिन ये थाने में जो केस आया है ये कौन लाया है? हमारे भाई साहब के जानशी तबरेज राणा ने अपने ऊपर फर्जी गोली चलवा कर और चचाओं को फंसाया, उस वजह से चचाओं पे सब पे 307 लगवा दिया, इस बिना पे ये पुलिस में मामला गया। अब पुलिस अपना तहकीकात कर रही है और उसको भी उनकी लड़कियां जो हैं एक साजिश बता रही हैं। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी भी नहीं, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। ये परिवार का मामला परिवार में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था ना, ये कोशिश तो की गई होगी, फिर हुआ क्यों नहीं? छह महीने पहले मैं इनके पास गया था और इनसे यही कहा कि भाई अब हम लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं कि किस वक्त निकल लें पता नहीं, तो तीसरी जनरेशन यानी हमारे बाप के बाद की तीसरी जनरेशन इसमें कोई वो ना हो, हम लोग बैठ के इसको, आप रायबरेली आ जाइए और इसमें सब कर लिया जाए बैठ के अलगाव। तो उसी के 20 दिन के बाद इनके ऊपर बीवी ने, बच्चियों ने, सबने दबाव डाल के और लड़के ने कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और पूरी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे को इन्होंने 4 महीने पहले दे दिया। और उसके बाद से वो बेटा आके यहाँ, उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो मेरे नाम से बैनामा है सरकारी, वो जमीन और राफे राणा के नाम जो बैनामा। चलिए, इस्माइल राणा से संपर्क हमारा टूट गया, फिर से आएंगे। लेकिन मुनव्वर राणा और भाई इस्माइल राणा के बीच विवाद अब लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भू माफिया तक होने का आरोप यहां पर इस्माइल राणा अपने भतीजे पर यानी के तबरेज राणा पर लगा रहे हैं। और यहां पर हम फिर से साफ कर देना चाहते हैं, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जिस तरीके से हमने आमना सामना दोनों भाइयों का कराया, मुनव्वर राणा ने जो भाई के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उससे एबीपी न्यूज बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हम खेद प्रकट करते हैं इसके लिए यहां पर और कोशिश करेंगे कि मुनव्वर राणा आगे से जब भी इस तरह की बातचीत हो तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। ABP News, आपको रखे आगे।